दोस्तों, जब भी आप एसी खरीदने का प्लान करते हो या फिर एसी खरीदने जाते हो शोरूम में, तो आपको जो सेल्समैन है कुछ इस तरह के क्वेश्चन करता है कि सर आपको कितने टन का एसी चाहिए, कौन से ब्रांड का चाहिए, इन्वर्टर चाहिए या नॉन इन्वर्टर चाहिए, या फिर कितने स्टार का चाहिए। तो ये सारे सवालों का जवाब क्या आपको पता है? ये वीडियो में हम इसी चीज़ों को कवर करेंगे, सारी चीज़ें कवर होंगी इसी वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजा डंडा। शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं हैप्पी गाइड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूँगा सबसे पहले कि एसी में कितने टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे दो प्रकार के एसी हमें देखने मिलते हैं मार्केट में, जो है एक स्प्लिट एसी और एक है आपका विंडो एसी। तो विंडो एसी अलग से, उसके लिए आपको जगह होनी चाहिए, आपके विंडो में प्रॉपर घुस जाता है और वो कंप्रेसर के साथ ही अटैच होता है। और बात करें स्प्लिट एसी के बारे में, तो स्प्लिट एसी बेसिकली होता है एक इंडोर यूनिट होती है आपके जो बेडरूम में लगी रहेगी, और एक जो आउटडोर होगा कंप्रेसर वो घर के बाहर या जो ओपन एरिया होता है, जो वेदर के लिए एक्सपोज होता है, वहाँ पे लगा होता है। तो यहां पे दो प्रकार के एसी हमें मार्केट में हमेशा देखने मिलते हैं। आज के तारीख में ज्यादा करके लोग स्प्लिट एसी पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पे आपको एक छोटी सी इंडोर लगानी होती है आपके घर के अंदर, और जो कंप्रेसर है, जो आउटडोर है, वो घर के बाहर लगा होता है। तो यहां पे बात हो जाती है कि कौन कौन से प्रकार के एसी मार्केट में अवेलेबल है। अब बात करते हैं यहां पे कि कितने टन का एसी लेना चाहिए। तो यहां पे मैं एकदम आपको आसान भाषा में बताता हूं कि एक टन का मतलब होता है, समझ लो कि एक टन मतलब एक टन इतना बर्फ अगर मैं इस रूम में रख दूं, तो जितना कूलिंग वो बर्फ से हमें मुझे मिलेगी, उतना कूलिंग वो एसी करने वाला है। तो यहाँ पे अगर मैं एक टन बर्फ लाके रख दूं, तो उतना कूलिंग आपको उस रूम में मिलेगा। डेढ़ टन का लाके उतना बर्फ रख दूं, तो उतनी कूलिंग मिलेगी। सेम दो टन, ढाई टन, उतना मतलब कूलिंग बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि कितने टन का एसी आपके लिए या आपके बेडरूम या फिर आपके रूम के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, अगर आपका रूम 100 स्क्वायर फीट के नीचे है, तो मार्केट में यहाँ पे 0.5 टन के भी एसी मार्केट में अवेलेबल है, तो वो आप ज़रूर ले सकते हैं। आपको ज़रा भी टेंशन लेने वाली बात नहीं कि आपको एक टन या डेढ़ टन का एसी लेना चाहिए, यहाँ पे आपको आधे टन का एसी काम आ जाएगा। दूसरी तरफ बात करूं यहाँ पे कि समझ लो आपका रूम 100 स्क्वायर फीट से लेके अगर 140 या 150 स्क्वायर फीट का है, तो वहाँ पे एक टन का एसी प्रॉपरली फिट हो जाएगा। कोई भी तकलीफ नहीं होगी कि आपको रिग्रेट नहीं होगी, आपका एक टन वाला नहीं लेना चाहिए, डेढ़ टन वाला नहीं लेना चाहिए, तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब बात करें अगर आपके रूम का साइज समझ लो 150 से लेके 200 स्क्वायर फीट का है, तो वहाँ पे आपको डेढ़ टन का एसी लेना चाहिए। और तो जैसे जैसे रूम का साइज बढ़ते जाएगा, तो वैसे वैसे ही आपका जो एसी का टन का साइज है वो भी बढ़ते जाएगा। तो बस इसी तरह से टन कैलकुलेशन होता है। दोस्तों, हम सभी ने देखा कि कौन से टाइप का एसी होता है और कितने टन का लेना चाहिए, ये दोनों चीज़ें आपकी सॉल्व हो गई। तो यहाँ पे अब आगे बढ़ते, और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अभी यहाँ पे सवाल उठता है कि कितने स्टार का एसी ले, मतलब 3 स्टार ले, 5 स्टार ले या 1 स्टार ले, और इसी के साथ साथ इन्वर्टर ले या नॉन इन्वर्टर ले। तो यहाँ पे मैं सभी को कहना चाहूँगा, आप सभी को, कि यहाँ पे जो स्टार है वो डिपेंड करता है आपके इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के ऊपर, कि आपका इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। बोलते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो कम आएगा 5 स्टार वाले एसी में, और दूसरी तरफ मैं बात करूं 3 स्टार वाले में, तो आपको जो कंजम्पशन है वहां पे ज्यादा खींचेगा और बिल आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का है वो बढ़ा देगा। यही फर्क है 3 स्टार और 5 स्टार में। लेकिन मैं यहां पे आप सभी को कहना चाहूंगा, अगर आपका यूसेज समझ लो दिन में अगर 2 से 3 घंटे या फिर रात में 4-5 घंटे के लिए यूज कर रहे हो, स्पेशली समर में, तो फिर मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप 3 स्टार एसी ही लीजिए। 5 स्टार की जरूरत कहाँ पे आती है, जहाँ पे आपका यूसेज ज़्यादा है, मतलब समझ लो आप दिन में 8 से 10 घंटे से भी ज़्यादा चला रहे हो, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा 5 स्टार एसी लेने के लिए। तो 5 स्टार एसी ही लेने के साथ ही साथ अभी यहाँ पे सवाल उठता है कि इन्वर्टर ले या नॉन इन्वर्टर ले। तो इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में ये समझते कि सबसे पहले दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो पहले मैं बात करता हूँ नॉन इन्वर्टर एसी वाले में, तो वहाँ पे नॉन इन्वर्टर वाले में होता क्या है कि आपका जब रूम का कूलिंग हो जाता है तो कंप्रेसर पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अब कंप्रेसर बंद हो गया, लेकिन क्या होता है कि आपकी जो कूलिंग है वो भी बोलते हैं ना कम होने लगती है, तो वापस से जो आपका कंप्रेसर है वो ऑन होता है। तो ये ऑन और ऑफ का जो टाइमिंग है, इसके बीच में आपका इलेक्ट्रिसिटी जो कंजप्शन है वो खींचा जाता है, मतलब बोलते हैं ना जो इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर है वो ज्यादा लगता है नॉन इन्वर्टर एसी में। और दूसरी तरफ मैं बात करूं यहां पे इन्वर्टर एसी के बारे में, तो इन्वर्टर एसी में होता क्या है कि अगर समझ लो आपका रूम का कूलिंग हो गया प्रॉपर, सब कुछ अच्छे से, मतलब 25 डिग्री 23 डिग्री
पे आपका सेट हो गया और रूम की कूलिंग अच्छी खासी हो गई है। अब इन्वर्टर एसी करता क्या है कि इन्वर्टर एसी करेगा क्या कि आपका जो कंप्रेसर है वो बंद नहीं होने देगा और कंप्रेसर बंद नहीं रहेगा और आपका जो इन्वर्टर है वो एक कंसिस्टेंट फ्लो में आप बोलते हैं ना कूलिंग पास करते रहेगा और एक कंसिस्टेंट फ्लो में इलेक्ट्रिसिटी पास होते रहेगी, तो कंप्रेसर आपका बंद नहीं होगा और जब कंप्रेसर बंद नहीं होगा तो कंप्रेसर लोड नहीं बढ़ रहा है और जब लोड नहीं बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी जो कंजम्पशन है वो भी कम होगी। तो यही एक सिंपल सा फंडा है कि आपका जो कंप्रेसर अगर पूरी तरह से बंद हो जाता है तो उसको स्टार्ट होने के लिए जो कंजम्पशन लगता है वो आपके नॉन इन्वर्टर में होता है और इन्वर्टर में होता क्या है कि यहाँ पे आपका जो कंजम्पशन है वो कम क्यों होता है क्योंकि वो इन्वर्टर जो एक कंसिस्टेंट फ्लो में इलेक्ट्रिसिटी पास देता है वह जो भी उसका कूलिंग है उसको बनाए रखता है। अब यहां पे सवाल उठता है कि आपको इन्वर्टर लेना चाहिए या नॉन इन्वर्टर लेना चाहिए। तो यहां पे मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, अगर समझ लो आपका यूसेज 8 घंटे से लेके 16 घंटे तक है, अगर आप दिन में उतने घंटे आप एसी चलाने वाले हो तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप इन्वर्टर एसी लीजिए। लेकिन अगर आपका यूसेज समझ लो रात में ही सब 4-5 घंटे चलाओगे, पूरे दिन भर ऑफिस में रहोगे या फिर जॉब पे जा रहे हो या फिर अलग बिजनेस के सिलसिले से बाहर जा रहे हो, सिर्फ रात में अगर 4-5 घंटे के लिए कूलिंग चाहिए स्पेशली समर में, तो फिर मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप नॉन इन्वर्टर एसी लीजिए। क्योंकि नॉन इन्वर्टर एसी और इन्वर्टर एसी में फर्क उसके प्राइसिंग का होता है, क्योंकि इन्वर्टर एसी बहुत ज़्यादा महंगा होता है एज कम्पेयर टू इन्वर्टर एसी। अगर इन्वर्टर एसी अगर आपको मिल रहा है 40,000 रुपये का, तो वहाँ पे दूसरी तरफ नॉन इन्वर्टर एसी आपको मिल जाएगा 25,000 रुपये के आस में। तो ये जो 15,000 रुपये का जो डिफरेंस है वो आप क्यों दे रहे हो अगर आपको उतना यूसेज ही नहीं है। तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा इस पैरामीटर को बहुत ही बारीकी तरह से ध्यान रखिए कि आपको भाई आपके यूसेज पे ध्यान रखना, और अगर आपका यूसेज सच में ज़्यादा है तो ही लीजिए, वरना आप नॉन इन्वर्टर एसी में भी कोई भी आपको मतलब तकलीफ नहीं होगी इलेक्ट्रिसिटी के मामले में अगर आपका यूसेज कम है। और उसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ यहाँ पे कि भाई कौन सा कॉइल कंडेंसर होना चाहिए, मतलब यहाँ पे आपको मैं सभी को सजेस्ट करूँगा कि 100% कॉपर कॉइल कंडेंसर लीजिए। यहाँ पे मार्केट में दूसरे वाले भी अवेलेबल होते हैं, जो एल्यूमिनियम कॉइल कंडेंसर होते हैं वो आप नहीं लीजिए क्योंकि वो उतने अच्छे नहीं होते। यहाँ पे हमें कॉपर 100% कॉपर कॉइल कंडेंसर ही लेना है। एल्यूमिनियम वाले में आपको काफी मेंटेनेंस आएगा, सस्ते होते हैं लेकिन आपको मेंटेनेंस पे बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप 100% कॉपर कॉइल कंडेंसर ही लीजिए। और अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सबसे लास्ट पड़ाव पे कि यहाँ पे भाई हमें कौन से ब्रांड का एसी लेना चाहिए, या फिर बोलते नहीं कौन सा ब्रांड सबसे अच्छा होगा मेरे घर के लिए या फिर मेरे ऑफिस के लिए या फिर जो भी मेरे दुकान के लिए। तो यहाँ पे मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि भाई देखो, अगर कम टाइम में एकदम मस्त वाली कूलिंग चाहिए तो जो सबसे मस्त कूलिंग करता है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, तो यहाँ पे मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि मित्सुबिशी का जो एसी होता है ज़बरदस्त, मतलब उसकी कूलिंग टॉप एंड पे होती है, मतलब एकदम बहुत कम टाइम में अच्छी कूलिंग उसी एसी से आपको देखने मिलेगी। दूसरी तरफ मैं बात करूं अदर ब्रांड के बारे में, तो यहाँ पे हिताची और डाइकिन भी है, और बात करें उसके बाद जो अलग ब्रांड आता है जैसे एलजी, सैमसंग और पैनासोनिक, ब्लू स्टार, वो सब भी ब्रांड आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे टॉप नंबर पे आप मुझे बोलोगे तो मित्सुबिशी का जो हैवी ड्यूटी वाला है वो तो आउटस्टैंडिंग, मतलब उसकी जो कूलिंग एयर थ्रो और बहुत जो भी उसके फीचर्स है बहुत ज़्यादा अच्छे हैं मेरे हिसाब से। और अगर आपको चाहिए कि आप एलजी का जो डुअल इन्वर्टर एसी है वो भी ले सकते हैं, मेरे घर में मैंने अपने पर्सनल यूसेज के लिए फिलहाल तो वही लगाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँ कमर्शियल एरिया के बारे में, तो वहाँ पे कूलिंग कम टाइम में ज़्यादा चाहिए और एकदम स्ट्रॉन्ग कूलिंग होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे लोग भी ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा मित्सुबिशी का हैवी ड्यूटी वाला 100% आपको बिना टेंशन लिए आँख बंद करके आप ले सकते हो। और आपको चाहिए कि एलजी डुअल इन्वर्टर एसी का मैंने एक डिटेल रिव्यू वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, ऊपर भी आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करके देख लीजिए, शायद आपको कुछ हेल्प हो जाए। दोस्तों जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ब्रांड के बारे में कौन सा ब्रांड लेना चाहिए, तो यहाँ पे हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि उसकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, मतलब आप खरीद तो लोगे लेकिन उसकी सर्विस अगर आपके एरिया में नहीं है तो फिर क्या मतलब है लेके, मतलब इसलिए आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो, मालूम पड़ा आपने ले लिया डाइकिन का, लेकिन डाइकिन की सर्विस अगर आपके एरिया में नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, एटलीस्ट आप बोलते हैं आपको भागना पड़ेगा भाई अभी क्या करें। तो इस चीज में ना पढ़ने से अच्छा है कि आप पहले सब रिसर्च कर लो कि आपके एरिया में कौन सा बोलते हैं ना एसी प्रोवाइडर सबसे अच्छा है, उसकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी है आपके एरिया में, उसके बाद ही डिसाइड करें कि कौन से ब्रांड का ले।
तो दोस्तों मेरे हिसाब से काफी कुछ कवर कर लिया सारे पॉइंट्स एसी के मामले में, कि अगर आपको एक एसी खरीदना है तो हर एक पैरामीटर को यहाँ पे हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। फिर भी अगर मुझसे कोई भी पॉइंट मिस हो गया है, या फिर कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव, या आप पे कोई भी राय हो, तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके सारे सवालों को जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, और जो लोग नए सब्सक्राइब करो हमारे हैप्पी गाइड चैनल को, हमारे हैप्पी गाइड फैमिली को। और आपको मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड। बाय बाय।